हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा फ्लू वैक्सीन के बारे में, क्योंकि H3N2 चल रहा है। हर पेरेंट्स कंसर्न है कि हमारे बच्चे को कहीं फ्लू तो नहीं है, हम फ्लू वैक्सीन कब लगवाएं, कैसे लगवाएं, कितनी डोज में लगवाएं। तो आज बात करेंगे जो हमारे पास में अवेलेबल वैक्सीन है इस टाइम पे, टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। ये स्ट्रेन ए एंड बी दोनों कवर करता है। ए में H3N2 एंड H1N1 दोनों कवर हैं। दूसरा जो स्ट्रेन है उसका टाइप बी जो कवर कर रहा है, उसमें ऑस्ट्रिया एंड फुके हैं दोनों, जो कि ये अभी अवेलेबल है रिसेंट। उसमें यूजली H3N2 अभी चल रहा है, तो उसके लिए अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो लास्ट ईयर जो आपका फ्लू वैक्सीन था वो ऑलरेडी उसको कवर कर रहा था। वैक्सीन कितनी डोज़ में लगवाएं, तो देखिए जो 6 मंथ्स पे स्टार्ट होता है फ्लू वैक्सीन का डोज़, 1 महीने बाद उसकी सेकेंड डोज़ लगती है। उसके बाद हर मानसून में 5 ईयर की एज तक आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, साल में एक बार। उसके बाद जो 8 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें आप स्टार्टिंग में दो डोज़ लगवा के हर साल एक डोज़ लगवा सकते हैं, और जो 8 साल से बड़े बच्चे हैं उसको साल में एक डोज़ लगवा सकते हैं, जब तक आप उसको कवर करना चाहें। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं बेसिकली, स्पेशली किडनी डिजीज़ वाले, HIV वाले, जिनको रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, कोई कैंसर डिजीज़ हैं, उनको भी ये चीज़ लग सकती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आती है, तो फीवर का कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं रहता कि बच्चे को इसके बाद फीवर आएगा। दूसरी चीज़, इसका बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ होने से ही नहीं रोकेगा, ये स्प्रेड को भी रोकेगा। तो जो आपका बच्चा है जिसको ऑलरेडी वैक्सीन लगी हुई है, वो इसको स्प्रेड होने से बचाएगा, घर पे नहीं लेके आएगा, दूसरे बच्चों को कम्युनिटी में ये स्प्रेड नहीं होने देगा। सो प्लीज़ गो एंड वैक्सीनेट फॉर फ्लू। थैंक यू।